अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम वी2 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इमशा आवान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ आका जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो रस्ते में आपने देखा कि एक बच्चा रो रहा है और उसके कपड़े फटे हुए हैं। तो आपने उससे पूछा, रोने की वजह पूछी, तो उसने बताया कि मेरे वालिद साहब नहीं हैं, मैं यतीम हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे घर ले आए, कपड़े पहनाए और नहलाया और उससे बच्चे से कहा कि आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा वालिद कौन है, तो तुम बताना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वालिद हैं। ये हमारा दीन जो है वो हमें मिसाल देता है। और आज इसी हवाले से मेरे साथ मेरी गेस्ट मौजूद हैं, जो कि चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की। हम खुश आमदीद कहते हैं सारा को। सारा, कैसा लगता है, क्या फ़ील करती हैं ये ज़िम्मेदारी जब आपके ऊपर आई, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरमैन के तौर पर क्या ज़िम्मेदारी है, किस तरह आप चैलेंजेस का सामना करती हैं, कितनी भारी ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर और क्या काम आप कर रही हैं? जी बिल्कुल, जब मैंने ज्वाइन किया है चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब, तो बहुत बड़ी मुझे लगा ज़िम्मेदारी और एक सेंसिटिव इशू है बच्चों का और बच्चों का तहफ़ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब का एक अवलीन तरजीहात में से एक है चाइल्ड प्रोटेक्शन। और तो इसलिए मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का बायस है। और इतने सारे बच्चों के इशूज़ से डील करना, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड बेगरी, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर वायलेंस, सब कुछ ब्यूरो के अंडर आते हैं। अभी मेरे पास अराउंड 1000 बच्चे रह रहे हैं पंजाब में, उन सब की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग टास्क, देयर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस अहेड, एंड इसी तरह मैं इसको देख रही हूँ, बट आई एम रियली एंजॉइंग इट एंड मैं पैशन के साथ, मतलब अदर देन माई करियर ऑल्सो आई एम रियली इन्वॉल्व इन व्हाट आई एम डूइंग एंड आई रियली लाइक इट। सारा, मुझे बताइएगा, आप सियासत से मुंसलिक हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी आई थिंक सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट इज़ गिविंग अ फीमेल द राइट टू टेक हर ओन डिसीजन। वो डिसाइड कर सके कि उसने आगे जाके क्या करना है, उसको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच ओपिनियन दिया जाए। दिस इज़ वॉट वुमेन एम्पावरमेंट इज़, एंड मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक औरत ही एक नेशन को शेप करती है, उसने ही बच्चों को, बच्चों की अपब्रिंगिंग से लेके उनको बड़े करने तक शी प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब तक एक एम्पावर्ड फीमेल नहीं होगी, हमारा मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। जी सारा, मुझे बताइएगा कि चेयरमैन है आप चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो कमीशन की, क्या डोमेन है इसकी? मेरे व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा कि ये क्या है, इसकी क्या डोमेन है, क्या सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर रही हैं? ओके, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो बेसिकली 2004 में कायम किया गया अकॉर्डिंग टू पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट, जो पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया था। ये एक लॉ है और इसके अकॉर्डिंगली ब्यूरो बना। ब्यूरो का मकसद है पंजाब में जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, बेसिकली उनको रेस्क्यू करना, उनको तहफ़ देना है, शेल्टर देना। अभी हमारे पास 1000 तकरीबन बच्चे पंजाब में रह रहे हैं। अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के 8 अजला में मौजूद है और हम बाकी और एक्सपेंशन का भी इरादा रखते हैं। और अभी वी हैव 1000 किड्स लिविंग विद अस। इसके अलावा एनुअली चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो 7000 स्ट्रीट चिल्ड्रन को रेस्क्यू करता है, चाइल्ड बेगर्स को, उनको रिहेबिलिटेट करता है और फिर फैमिली से रीयूनिफाई करवाता है। मैं अगर आपको पिछले 10 महीनों का बताऊँ, जब से मैंने ज्वाइन किया है, पिछले 10 महीनों में हमने अब तक 5500 चाइल्ड बेगर्स को रेस्क्यू किया है और उनके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है पूरे पंजाब में। इसके अलावा 150 ऐसे चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस जिसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व हुई हूँ, मैंने एड्रेस किया और मैंने मुजरिम को गिरफ्तार करवाया पुलिस के साथ मिलके, और उनको फॉलो अप भी हमारी लीगल टीम करी है केसेस का कि वो कहाँ तक पहुँचे, टू मेक श्योर दैट द कल्प्रिट इज़ हेल्ड अकाउंटेबल। और उसके अलावा हमने 200 बच्चों को अपनी फैमिली से मिलवाया। हम मिसिंग बच्चों से भी डील कर रहे हैं, हमारे पास गुमशुदा बच्चे आते हैं, उनको हम फैमिली से रियूनिफिकेशन उनका करवा रहे हैं। और ये वाहिद डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में जो इन इश्यूज़ को देख रहा है, नॉट जस्ट इन पंजाब बट इन एंटायर पाकिस्तान, दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट व्हिच इज एक्टिवली वर्किंग फॉर दिस। सर, देखिए, जो कल्प्रेट होता है वो बेसिकली बच्चे के अपने ही वालदैन होते हैं, और तो उनके बारे में क्या कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है? जी, टॉकिंग अबाउट चाइल्ड बेगर्स, चाइल्ड बेगर्स का हमारे सेक्शन है 36, वो है बेगिंग का। उस पर यह होता है कि हम बच्चे को कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, अपनी तहवील में लेके, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है हमारा अपना, वहाँ प्रेजेंट करते हैं और फिर पुलिस के साथ उनकी FIR कटवाई जाती है और जो है वो वालदेन के ऊपर कार्रवाई होती है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। जो वालदेन होते हैं जो बच्चे को इस प्रोफेशन में डालते हैं, उनके एक तो पेनल्टी होती है, ये कोर्ट डिसाइड करता है कि पेनल्टी स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 to 1,00,000 रुपीज़ और 3 महीने से लेके 10 साल तक कैद भी है, वो सज़ा भी होती है, ये PDNC एक्ट में मौजूद है। जी, तो ये हम करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड बेगरी। अदर देन दैट, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में भी हम देखते हैं कि पेरेंट्स कभी कभी कल्प्रिट के ऊपर जो है ना वो उसको कवर कर रहे होते हैं,
वो FIR नहीं कटवाना चाहते. इन दैट केस हमारी एक साइकोलॉजिस्ट की टीम है जो बेसिकली बच्चों को रिहेबिलिटेट करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन वही वो पेरेंट्स को भी कन्विंस करती है कि आप FIR कटवाएं ताकि कार्रवाई आगे हो सके. जिस तरह जिक्र किया कि चाइल्ड लेबर के हवाले से चाइल्ड बेगरी जो आपके अंडर आता है ब्यूरो के, उसके बारे में बताया गया कि रूट कॉज जो है वो एक गुर्बत है. मुझे बताएं कि गुर्बत किस तरह आपकी ब्यूरो जो है उसकी किस तरह रोकथाम कर रही है और किस तरह कितना चैलेंजिंग है, किस तरह आप क्या कोई वजीफ़ा दे रहे हैं बच्चों को या किस तरह उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं? इस केस में हम ये करते हैं, हम बेसिकली ये एक रोल मॉडल इंस्टीट्यूशन है कि खुद जाके जा रहे हैं बेगर्स के पास और कह रहे हैं कि अपना बच्चा हमें दे दो, हम रखेंगे, हम उसका खाना पीना तरबियत स्कूलिंग, हमारा अपना स्कूल है जहाँ पढ़ाते हैं. 18 साल तक बच्चे को हम अपने पास रखते हैं, हमारे पास डॉक्टर है 24 आवर ताकि उनकी मेडिकल नीड्स का ख्याल रखा जाए, हमें लीगल असिस्टेंस है. तो ये ऐसा तो कहीं और होता ही नहीं है कि हम जाके खुद कहते हैं. तो वी आर गिविंग देम एन ऑप्शन कि आपके बच्चे की जिम्मेदारी हमारे पास, हम उठाते हैं, उसकी प्रोटेक्शन हम करेंगे, तो आप हमें दे दें ताकि उनको अपने रिसोर्सेज नहीं यूज़ करने पड़े और बच्चे का एक अच्छा मुस्तकबिल बन सके. बच्चों पर तशद्दुद के बहुत से वाकयात सामने आते हैं और हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो पढ़े लिखे माशरा है, हमारा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, लॉयर है, उसी के घर में एक मुलाजमा होती है और उसी पे तशद्दुद किया जाता है. इसके बारे में बताएं कि क्या सज़ाएँ हैं उनकी, किस दिफात के तहत उन्हें सज़ा दी जाती है और किस तरह कार्रवाई की जाती है? जब भी कोई चाइल्ड टॉर्चर का वाकया होता है, एक तो हमारी हेल्पलाइन है 1121, 24 आवर हेल्पलाइन है जिस पर हमें कॉल आती हैं, या तो मीडिया से हमें पता चल जाता है या हमें कॉल आती है या फिर हमें थाना या हॉस्पिटल से पता चलता है कोई चाइल्ड टॉर्चर का केस हो, तो इंस्टेंटली हमारी रेस्क्यू टीम जाती है. कॉल आने के बाद बच्चे को तहवील में लिया जाता है, बच्चे का इंटरव्यू किया जाता है कि वो हमारे पास रहना चाहता है या उधर ही, अगर वो सेफ़ नहीं हो तो हम अपने पास ले आते हैं. उसके बाद जो भी मुजरिम होता है, जिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं मुलजिम, उस पर जो है वो FIR कटवाई जाती है क्योंकि टॉर्चर का भी एक सेक्शन मौजूद है हमारे एक्ट में, और फिर पुलिस उस पर कार्रवाई करती है एंड हम वो केस फॉलो अप करते हैं. और जो बच्चा जो उसको रेस्क्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल उस पर टॉर्चर हुआ और वो ट्रॉमेटाइज्ड, उसको हमारे जो काउंसलर्स हैं वो उसकी काउंसलिंग करते हैं. बच्चों को, खासतौर पे बच्चियों का भी, लेकिन बच्चियों का जिनसे इहतसाल किया जा रहा है इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि एक लड़की जो है वो तो कंसीडर कर लिया जाता है कि वो बालिग है और उसकी ड्रेसिंग नहीं ठीक थी, इस वजह से जो है मर्द काबू नहीं रख सका, लेकिन जो छोटी सी बच्ची है 10 साल की है, 12 साल की, जिसमें ये सेंस ही अभी डेवलप नहीं हुई, उसका रेप किया जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद जो है वो मीडिया रिपोर्ट करता है तो एक्शन लिया जाता है, इसकी प्रिवेंशन पर बताइएगा कि प्रिवेंशन पर क्या काम हो रहा है? अभी जो है ये गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन की तरफ है और हमें वज़ीर आला पंजाब की हिदायत भी आई है कि हम प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा काम करें. तो अब हम सेमिनार्स होल्ड कर रहे हैं और घर घर जाके हम अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को. और एक सबसे पहले मैंने आके एक मैस अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की पूरे पंजाब में, जिसका मकसद था ही सिर्फ आगाही देना, पेरेंट्स तक आगाही पहुँचे कि अपने बच्चे को अनअटेंडेड ना छोड़ें, क्योंकि एक बच्चा जहाँ तक स्टेट की जिम्मेदारी होता है, वालदेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट उतना ही रोल होता है कि वो घर से उसको अकेले ना जाने दें, उस पर किसी पे भी एक अंधा एतबार ना करें और बच्चे को गुड टच बैड टच में फ़र्क सिखाना. हमारी टीम्स भी जाके बच्चों को ये सिखा रही हैं. हमने रिसेंटली 200 लाहौर के पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है. ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने पुलिस को, रीज़न इसका ये था ट्रेनिंग देने का कि पुलिस को सेंसिटाइज किया जाए कि चाइल्ड अब्यूज़ कितना बड़ा जुर्म है, क्योंकि अब तो हम इतने इम्यून हो चुके हैं कि लगता है कि कोई बड़ी बात ही नहीं है. तो वी वॉन्ट टू टेल द पुलिस कि कौन सा सेक्शन कौन से केस में लगेगा और ये कितना बड़ा और ये किसी का पूरा मुस्तकबिल तबाह होता है इससे. ये हमने किया, इट वॉज़ अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेनिंग सेशन और अभी इंशाल्लाह हम पूरे पंजाब में एक्सपैंड करेंगे. बच्चों की ग्रूमिंग और तरबियत के बारे में बताइएगा कि हम उन्हें कैसे सिखाएं कि एक गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ये किस तरह आप करते हैं, क्या स्कूल्स में जाते हैं या डिफरेंट कोई भी आपकी कंपेन जो है? स्कूल्स में भी सेमिनार्स कर रहे हैं. एक मैं आपको एग्जांपल कसूर का दूंगी. रिसेंटली कसूर में बड़ा अफसोसनाक वाकया 4 बच्चों का हुआ था, बेचैनब का हुआ, उसके बाद भी काफ़ी, और अभी एक रिसेंटली चूनिया में जो हुआ है, तो वहाँ पे हमने अपना एक एक्टिव, हमारा ऑफिस था इनएक्टिव था, उसको एक्टिव किया विद इन 2 डेज और वहाँ पे अपने कुछ ऑफिसर्स को डिप्लॉय किए और वहाँ हम स्कूल्स में हमने अभी तक कोई 10 से ज़्यादा सेमिनार्स अटेंड किए बड़े गवर्नमेंट स्कूल में कसूर के, अवेयरनेस देने के लिए टीचर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको बुला के हमने वहाँ पे एक पेज पे हमने वहाँ ट्रेनिंग दी है. और चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ बनाई है यूनियन काउंसिल लेवल पे, ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है कि घर घर जाके लोगों को, जो मैं आपको बताया, कि अवेयरनेस दी जाए प्रिवेंशन के ऊपर. कोई टारगेट है आपकी ब्यूरो का, कोई आपकी एक थ्रेशहोल्ड आपने सेट किया है, इतने टाइम स्पेन पे आपने ये टारगेट्स अचीव करने हैं, क्या कोई ऐसा सेट है? जी देखिए, मेरा जब मैंने ज्वाइन किया तभी मैंने डिसाइड किया था कि मेरा मकसद जो है वो होगा कि जब तक मेरा गवर्नमेंट का ये टेन्योर ख़त्म हो, मेरा टेन्योर ख़त्म हो, तब तक मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हैं पंजाब के, उनको वो उसकी रेडिकेशन, उनको प्रोटेक्शन दे सकूँ. ये मेरा लॉन्ग टर्म एक टारगेट है. और जो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, 5500 अभी तक हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया है
اور آپ کو میں نے ریونیفیکیشن کی بھی فگرز بتائیں, تو لاپتہ بچے, ہر قسم کے بچے, وہ جی مجھے لگتا ہے میری ذمہ داری جتنے پنجاب میں بچے جو کسی بھی قسم کے وائلنس کا شکار ہیں, ابیوز کا شکار ہیں, ابینڈن رکھے پڑے ہوئے, ان کی ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے. تو آئی ہوپ میں یہ اچیو کر سکوں اپنا ٹارگیٹ کہ اسٹریٹ چلڈرن کو ختم کر دیا جائے. ہیلپ لائن نمبر کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا ہیلپ لائن ہے, کتنا رسپانس ٹائم ہے, کس طرح آپ سے ہیلپ لی جا سکتی ہے؟ ہماری ہیلپ لائن ہے 1121 1121, تو یہ ہیلپ لائن 24 آر ہے. ہمارے پاس کال ڈائریکٹ ہوتی ہے پی آئی ٹی بی سے, اور پھر وہاں سے ہماری ٹیم ود ان منٹس, مطلب جتنا صرف ٹریولنگ ڈسٹینس ہوگا اتنا ٹائم لگتا ہے, ہماری ٹیم جاتی ہے بچے کو ریسکیو کرتی ہے, اور اس میں ہمارے چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز جاتے ہیں, وہ ٹرینڈ پرسنل وہ ساتھ جاتے ہیں بچے کو ریسکیو کرنے, ساتھ پولیس بھی جاتی ہے. ہیومن ٹریفکنگ کے بارے میں بتائیے گا, جو ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ جو ہے ٹریفکنگ ہو رہی ہے, بچوں کو جو ہے وہ اغوا کر لیا جاتا ہے, اور ان کے وائٹل آرگنز جو ہے وہ انہیں پھر سیل کیا جاتا ہے, کہ یہ ایک الوژن ہے کہ ایسا ہو بھی رہا ہے یا نہیں, اور اگر ہو رہا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اچھا, یہ جو آپ نے بات مینشن کی, یہ ابھی تک میری نالج میں کوئی میرے سامنے ایسا کوئی کیس نہیں آیا, لیکن اگر آتا ہے تو آف کورس وی ول انٹروین پولیس کے ساتھ مل کے جتنا بھی ہو سکے, ویل پلے آر رول ان دس. ہیومن ٹریفکنگ کے ایک دو واقعات ہمارے سامنے آئے تھے کہ کچھ گرلس کو سیکچوئل ایکسپلائٹیشن کے لیے بھیجا گیا تھا یو اے ای پاکستان سے, ان کو پھر ہم ایمبیسی کے ساتھ مل کے واپس لے کے آئے تھے, بیورو نے ان کو پروٹیکشن دی تھی. بچوں کا ابھی تک واقعہ آپ کے سامنے نہیں آیا, ٹھیک ہے. لیجسلیشن کے بارے میں بتائیے گا, کیا قانون جو ہے اس قانون سازی میں کوئی مسئلہ ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے؟ نہیں, آئی تھنک ہمارے لاز بہت اچھے بنے ہوئے ہیں, جیسے میں آپ کو پی ڈی این سی اپنا ایکٹ ہی بتایا, وہ بھی بالکل بہت مجھے لگتا ہے کہ کمپریہنسو ایکٹ ہے, اور ریسنٹلی پاکستان پینل کوڈ میں بھی لاسٹ ایئر بھی کافی امینڈمنٹس کیے گئے ہیں جہاں تک ریپ اور ان کرائمس کا, چائلڈ ریلیٹڈ وائلیشن کا تعلق ہے. تو دا لاز آر پریزنٹ, دا اونلی تھنگ از دیٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ٹھیک سے. ایٹ دا لیول آف پولیس میں نے دیکھے بہت امپروومنٹس آئی ہیں, پہلے بہت زیادہ ضرورت تھی ریفارمس کی پولیس میں, وہ بھی ہو گئے ہیں, امپروومنٹس میں لاز آر دیئر, دیر ہیز ٹو بی اے ول ٹو ڈو اینڈ سم بڈی پیشنیٹ ٹو گیٹ دا لاز امپلیمنٹڈ. بیسکلی ہم ایز اے سوسائٹی اگر سب اسٹیک ہولڈرز مل کے کام کریں تو ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں اور بچوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے. مجھے کم عمری کی شادی کے بارے میں بتائے گا, جو بچیاں ہیں ان کی کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے, کون جو ہے وہ مجرم ہے, اس کے پیرنٹس ہیں, نکاح خواں ہے یا بچی کا خاوند ہے, کس کو سزا دی جاتی ہے اور کس ایکٹ کے تحت سزا دی جاتی ہے؟ دیکھیں, اکارڈنگ ٹو آر پی ڈی این سی ایکٹ, جو بچے کی ایج ہوتی ہے دیٹس بلو 18 ایئرس, اینی بڈی ہوز بلو 18 از اے چائلڈ, تو وہ جو اس سے پہلے جس کی بھی فورسفل شادی ہے کچھ, تو دیٹس وہ پارٹ آف چائلڈ میرج ہوتا ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ قصوروار پیرنٹس ہوتے ہیں جو جن کا یہ فیصلہ ہوتا ہے اور وہ بچوں کو فورس کرتے ہیں کرنے پہ, ان کے خلاف سزا ہونی چاہیے, اور یہ پاکستان پینل کوڈ میں اس کی سزا بھی ہے. میں نے آپ سے وہی کہا کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر یہ آگے ہو سکتے ہیں, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. بالکل, ریہیبلیٹیشن کے بارے میں بتائیے گا, ابھی آپ نے اسکول کا ذکر کیا, بچیوں کا بہت زیادہ سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے, بچے تو چلیں ٹھیک ہے, اور آپ کی بیورو میں بھی بچے اور بچیاں اکٹھے ہوں گے, ساری بات ہے, ان کو کس طرح بچیوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے بیورو کے اندر, اور کون سے یا الگ اسکول ہیں ان کے یا اکٹھے اسکول ہیں یا الگ ان کے ہاسٹلس ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا گائڈ کیجیے. میں آپ کو ایگزامپل دوں گی اپنے لاہور کا, کیونکہ وہ ہمارے ہیڈ آفس ہے. تو لاہور میں ہمارے پاس 3 ہاسٹلس ہیں, ایک گرلز ہاسٹل, 2 بوائز ہاسٹل. ایک لڑکیاں اراؤنڈ 150 رہ رہی ہیں, بچے بوائز 250, اس طرح 200-250, ڈپینڈز ایوری ڈے, دیر از اے ڈفرنٹ نمبر. تو اس طرح ہم نے ایک تو سیگریگیٹ کیا ہوا ہے, اسکول ایک ہی ہے جہاں پہ دونوں کو تعلیم دی جاتی ہے, وہ بھی ہمارے بیورو کے اندر موجود ہے, اٹس کالڈ اے چائلڈ پروٹیکشن اسکول. اس کے علاوہ ہمارے پاس لڑکیوں کے لیے ہنر گاہ ہم نے اسٹارٹ کیا تاکہ ان کو ایک اسکل سیٹ بھی سکھایا جائے, یہ ریسنٹ ہم نے میرے آنے کے بعد ابھی ہم نے انیشیٹو لیا ہے. ایک یہ چیز ہے, اسپورٹس ہوتی ہے لڑکیوں اور لڑکیوں کی الگ الگ, اسپورٹس ٹیچر آتے ہیں روز, میوزک کلاسز ہوتی ہیں وہ بھی الگ ہوتی ہیں, ٹو میک شیور کہ بچہ سیف ہے. میرے بیورو کے اندر ہم نے کیمرے لگوایا ہر کمرے کے اندر, ہر بچے کے کمرے کے اندر کیمرے ہیں, اس کا ایکسس میرے پاس بھی ہے, ہمارے آفیسرس کے پاس بھی ہے, جن کی ذمہ داری میں نے دی ہوئی ہے کہ ان کہ وہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو انسٹنٹلی ہمیں رپورٹ کریں, اس پہ ہم کارروائی کر سکیں. کیونکہ اگر میں باہر جا کے بات کرتی ہوں چائلڈ ابیوز کو روکنے کی, تو آئی ہیو ٹو میک شیور کہ میرے اندر جو بیورو میں بچے رہنے, دے آر آلسو سیف اینڈ سیکیور. سر, اب بچوں کی پروٹیکشن کے بارے میں بتائیے گا کہ کس قدر چیلنجنگ ہے یہ کام آپ کے لیے, کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو سا ایشو ہے اور یہ بڑا سینسیٹیو کام ہے, کس طرح آپ کرتی ہیں یہ اس کا سامنا؟ بالکل, میں بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, کسی ریلیجیس اسکالر نے ٹارچر کیا تھا بچے کو, وہ اس کو میں نے پھر یو نو پولیس کے ساتھ مل کے اریسٹ کروایا, تو اس کے بعد جو ہے بڑی سفارشوں کی کالز والز آتی ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں, یہ وہ, یہ نارمل ہے. اس کے بعد جیسے اگر ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک چائلڈ بیکری کے پیچھے گینگ تھا, اس کو اریسٹ کروایا, 4 ممبر گینگ کو گرفتار کروایا اس پہ ریڈ کر کے پولیس کے ساتھ, تو آئیڈینٹیفائی ہماری ٹیم نے سب کچھ کیا. وہ بھی ایک یو نو وہ بھی ایک سینسیٹیو ٹاسک ہے, بیکاز پھر ہمیں تھریٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں, بیکاز یہ لوگ دے آر ڈینجرس. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جیسے ہم پچھلے کئی سالوں سے سنتے ہیں کہ مافیا ہے بچوں کے پیچھے, جو ان کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے, بازو کاٹ دیتا ہے, اور بیسیکلی ان کو بیگنگ کے پروفیشن میں ڈالتے ہیں, سگنلز پہ ڈفرینٹ پلیس کرتے ہیں,
ताकि लोग उन पे तर्स खाएं और उनको पैसे दिए जाएं और उनकी कमाई का जरिया वो बनते हैं, बन जाते हैं. बिल्कुल, वी कम अक्रॉस दीस थिंग्स एंड मैंने आपको बताया इट इज इट्स अ बिग चैलेंज बिकॉज़ इनके पीछे पूरे माफियाज हैं. बिल्कुल जी, तो उन्हें सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. बिल्कुल सर, आखिर में ये बताएं कि कोई मैसेज जो आप देना चाहें इस प्रोग्राम के हवाले से, पेरेंट्स देख रहे हैं माशरे को या वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहती हैं, किस तरह वो अपने बच्चों को ज़्यादा सिक्योर और प्रोटेक्ट कर सके. ये मैंने मैसेज देना है कि एक तो बच्चे जो है हमारे मुल्क का फ्यूचर है, वो आगे जाके हमारी जनरेशन शेप करेंगे, तो उनको गलत मिसयूज़ होने से रोकें. बच्चों के अंदर ट्रस्ट कॉन्फिडेंस और इतना उनको प्यार दें कि वो आपसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर सकें विदाउट एनी हेजिटेशन, नंबर वन. नंबर टू, उनको अनअटेंडेड ना छोड़ें, उनको अपने घर से तालीम शुरू करें, उनको सिखाएं गुड टच और बैड टच का डिफरेंस क्या होता है और इन चीज़ों के बारे में. आई थिंक पेरेंट्स नीड टू जस्ट ओपन अप. ये वैसा नहीं है पहले के ज़माने में कि उनको जी उनको रोक देना है कोई बात करने से. एवरीबडी शुड हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ये चीज़ इनकलकेट करें इंशाल्लाह एंड देन टुगेदर यू नो. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट सिविल सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प आर ब्यूरो. जी हम वी वॉन्ट सपोर्ट ऑफ मीडिया, सिविल सोसाइटी, ऑल स्टेक होल्डर्स, एनजीओस हमारे साथ आके कोलैबोरेट करें सो दैट वी कैन इरैडिकेट दिस मेनेस. जी जी, पंजाब पुलिस इज वेरी कोऑपरेटिव विद अस, हम उनके साथ ही काम करते हैं, बट ऑल अदर स्टेक होल्डर्स वी वॉन्ट देम टू जॉइन हैंड्स सो दैट वी कैन इरैडिकेट दिस मेनेस. थैंक यू सो मच मैम, आप आई, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. बच्चों की जहाँ तक हम बात करते हैं, उनकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है. एज अ शहरी हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें और बल्कि दूसरों के बच्चों को भी प्रोटेक्ट करें. इसी मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपकी होस्ट इमशा अवान, टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम विद नेक्स्ट गेस्ट. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.